दोस्तों, भारतीय रेल की तरफ से एक सबसे बड़े सवाल का जवाब यहाँ पे आपको मिल चुका है। जैसा कि आप लोग हमेशा ये जानना, हमेशा नहीं, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से आप ये जानना चाह रहे थे कि गाड़ियाँ साधारण तरीके से कब से चलने वाली है, यानी कि जो पहले जिस तरह से चल रही थी वैसा कब से चलने वाला है। तो इस सवाल का जवाब रेलवे ने दिया है कि इस साल भाई उम्मीद आप कम रखो, इस साल चलने का कोई चांस नहीं है, जनवरी से चलेंगी। लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर जहां COVID-19 के मरीज जो है ज्यादा तेजी से यहां पे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उन राज्यों के अलावा। लेकिन दोस्तों, इस खबर से आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि रेलवे ने, ये तो थी अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इस लॉकडाउन की परेशानी, लेकिन इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी जो परेशानी अगर हम कहें तो वो है तत्काल टिकट, वो है सीटें ना मिलना, वो है वेटिंग टिकट, वो है RAC। इस समस्या का समाधान एक रेलवे ने आपके लिए लाया है, जिसमें कि अब जो है लोगों को इस परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें, इसी तरह रोज एक नई जानकारी से खुद को अपडेट रखने के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे और कुछ बातें कहना चाहूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की तरफ से एक ट्वीट हुआ है, जिसमें लोगों को आगाह किया गया है, अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को आगाह किया गया है कि भाई आप लोग जरा सावधान रहे, व्हाट्सएप के जरिए से कुछ फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स जो है वो आपको लूट सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं आपको लॉटरी का झांसा देकर। तो यहाँ पे मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे SBI को कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग आज तक थे कहाँ, ये आज नहीं हो रही है, लाखों करोड़ों रुपए मासूम लोगों के लूटे जा चुके हैं और आप अब बता रहे हो। और ये बताने से कुछ नहीं होता, सबको पता है। इसको लेकर के आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें कि ये लोग जो है पकड़े जा सके, या फिर इन पैसों को वापस लाया जा सके, क्योंकि भारत में जो है मुझे लगता है ज्ञान की थोड़ी बहुत कमी कुछ लोगों के पास है, जो लालच में आकर अपने पैसे को इस तरह से गंवा दे रहे हैं। तो इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी RBI या SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, सिर्फ बात मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, जितने सारे बैंक हैं सारे बैंकों में ये सिलसिला जारी है, तो सारे बैंकों को मिलकर RBI के साथ में मिलकर इन चीजों का कोई एक हल निकालना पड़ेगा, ना कि आप लोग सिर्फ आगाह करते रहो कि भाई बचो बचो बचो, नहीं बच पाएंगे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मासूम है, जो नहीं जानते हैं चीजों को। अच्छा, अगली जो अपडेट है वो है इंडियन रेलवेज की। कल रात यानी कि 29 सितंबर रात 11:45 से लेकर के भोर के 4:30 तक आप ऑनलाइन बुकिंग या फिर ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन नहीं कर सकते, यानी कि IRCTC की साइट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, कुछ मेंटेनेंस की वजह से साइट को बंद किया जाएगा। लेकिन आप घबरा कर कहीं अपनी ID को रीसेट या फॉरगोट ना कर दो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 4:30 के बाद जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए आज के मुद्दे पर पहुंचते हैं, यानी कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव यानी कि VK यादव ने यह कहा है कि गाड़ियां जो है इस साल भाई चलने की उम्मीद आप लोग न रखें। लेकिन इसके साथ में उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो आपको सुनकर खुशी जरूर होगी। दरअसल कहा गया यहाँ पे कि जो नवरात्र आ रहा है यहाँ पे, यानी कि जो फेस्टिवल्स का सीजन आ रहा, तो ऐसे में 100 जोड़ी और गाड़ियां यहाँ पे दी जाएगी। रूट्स की डिमांड्स को देखते हुए, लोगों की पैसेंजर्स की डिमांड को देखते हुए, जहां ज्यादा वेटिंग लिस्ट जा रहे हैं उन एरिया में, उन रूट्स पर 100 जोड़ी गाड़ियां और दी जाएगी, यानी कि कुल 200 गाड़ियां जाने के लिए आने के लिए। VK यादव ने कुछ क्लियरली तो नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इशारों से ये कहा है कि इस साल दिसंबर तक गाड़ियां जिस तरह से चल रही थी वैसे चल पाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे COVID-19 जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और गाड़ियां चलने से और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए गाड़ियां जिस तरह से ज़रूरत है वैसे दी जा रही है और दी जाती रहेंगी। अब तक 456 स्पेशल ट्रेनें चल रही है और फेस्टिवल्स के सीजन में और 100 जोड़ियाँ स्पेशल ट्रेनें यहाँ चल सकती हैं, यानी कि यात्रियों की डिमांड से गाड़ियां चलेगी और साथ में राज्य सरकार की सहमति का भी होना जरूरी है गाड़ियां चलने के लिए। रेलवे के मुताबिक बहुत सारे ऐसे राज्य, ऐसे रूट है जहां राजनीतिक दबाव की वजह से गाड़ियां दौड़ रही है और वो खाली जा रही है, तो ऐसे में रेलवे इन गाड़ियों को निकालेगा और एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम यहाँ पे होने वाला है, जहाँ ये ऑटोमेटिकली देखेगा कि कौन सी रूट में गाड़ियाँ खाली जा रही है और कौन सी रूट में 10 से 15 दिन के बाद का भी टिकट जो यहाँ पे वेटिंग जाने वाले हैं, तो उन रूट्स में उन गाड़ियों को निकालकर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस रहेगा यहाँ दे दिया जाएगा, यानी कि जहाँ जरूरत है वहाँ गाड़ी है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ गाड़ी ही नहीं है।
यानी कि दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपडेट है। जरा आप सोचिए, जो फर्स्ट क्लास एसी में जो कूपे या कैबिन होते हैं वहां पे वो मैनुअल सिलेक्शन होते हैं, तो ऐसे में कई लोगों का ये शिकायत है कि यहाँ पे लोगों को देखते हुए, लोगों की कैटेगरी को देखते हुए, वीवीआईपी वीआईपी इनको देखते हुए, इनके हिसाब से दो लोगों वाला कमरा या चार लोगों वाला कमरा उनको मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं होता है। कई बार हम कपल्स के साथ ट्रेवल करते हैं तब भी हमें पता चला कि दो और लोगों के साथ हमें सफर करना पड़ता है, यानी कि कैबिन जो है हमें, कूपे जो है हमें मिल जाता है। तो ऐसे में यहां पे क्या होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस से काम करेगा, यानी कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि यहां पे बड़ा छोटा या अमीर गरीब देखकर यहां पे फैसले नहीं होंगे, बल्कि ऑटोमेटिक प्रोसेस से ये काम करेगा। खैर देखते हैं ये कब तक आता है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये आने वाला है। दोस्तों मुझे लगता है आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हां लिखे, अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज अपना राय जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।